जब से पहली बार देखा था ना तुझे, तब से पागल हूं तेरे पीछे। मैं अपनी पूरी लाइफ तेरे साथ बिताना चाहता हूं। तू सब कुछ है मेरा, बस पता नहीं क्यों आज तक कभी हिम्मत ही नहीं तुझसे कहने की। शायद मेरे डीएनए में ऐसे प्रॉब्लम है, शर्म आ जाती मुझे। कि नहीं सच, मैं तेरे बगैर अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुझे पता, मैंने सोचा है कि जहां भी मैं जाऊंगा ना लाइफ में, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई लव यू। I love you. I love you. बता ना, प्यार करती है मुझसे? एकदम अचानक हो गया ना ये सब, लेकिन पता है अगर मैं आज नहीं कहता ना तो शायद कभी नहीं कह पाता। तू टाइम ले सकती है सोचने में, मैंने भी तो इतना टाइम लिया तुझे बोलने में। यू कैन टेक योर टाइम। चलिए। अरमान ने इतना जल्दी खा लिया आज? अरे नहीं बेटा, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, वहीं से खा के लौटा है। सॉरी बेटा, आज चावल नहीं बनाए। इट्स ओके माँ, वैसे भी अब मैं रात को चावल नहीं खाया करूंगी, मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया। मिस कश्यप, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा वजन घटा दीजिए, मेरी सारी हीरो पंती निकल गई। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? नहीं, कुछ सोच रही थी। क्या? आज रॉनी ने मुझसे बात की। मतलब उसने प्रपोज किया। फिर शादी के लिए नहीं, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। फिर नहीं, मतलब पिछले कुछ दिनों से मुझे लग ही रहा था, मुझे दिख रहा था उसकी आंखों में, पता नहीं था पर ऐसा लगा कि वो कुछ कहेगा। फिर तूने क्या कहा, मना क्यों कर दिया तूने उसे? आपको कैसे बताना है आने का? तू इस तरह मुझे ये सब बताती ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है अनन्या? तू इतना सोच क्यों रही है? दोनों साथ में काम करते हो,
एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हो, समझते हो, और मैं भी ये देख के कह सकती हूँ कि he's the right guy for you. प्यार करता है वो तुमसे, बहुत ध्यान रखेगा तुम्हारा. तो बताए, मुझे बहुत दिनों पहले ये बात मन में आई थी लेकिन मैंने कही नहीं. मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उससे प्यार नहीं करती. प्यार नहीं करती मतलब? नहीं मतलब मैं उसे लाइक करती हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. पर इन दोनों में फर्क क्या है अनन्या? अनन्या रिलेशनशिप्स को सिंपल रखना चाहिए, इतनी सारी कैटेगरीज में नहीं बांटना चाहिए रिलेशनशिप्स को. हाँ मुझे पता रिलेशनशिप्स को सिंपल रखना चाहिए, पर लाइफ तो सिंपल नहीं है ना. लाइफ कभी सिंपल नहीं होती. यार तू स्टूपिड है, तुझे उससे हाँ कह देना चाहिए था. मैंने भी यही कहा. वो तो कहेंगी ना, जो सच है वो सच है. एंड यू नो व्हाट, हम लोग सब तेरी खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं. एंड थैंक गॉड रॉनी ने फाइनली तुझसे कह दी. यू नो ही इज द बेस्ट गाय फॉर यू. उससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा. अच्छा तू जानती है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर उसी कॉन्टेक्स्ट में. वो जैसा मेरे बारे में सोचता है मैं नहीं सोचती उसके बारे में वैसा. पर तू जिसके बारे में सोचने की कोशिश कर रही है उस तरह से, वो तो कभी मुमकिन ही नहीं होगा. तुझे कबीर सर को भूलना होगा अनन्या, जिस सपने के बेसिस पे तू पूरी जिंदगी टिकाए हुए है. मान ले अगर वो सपना टूट गया तो उसके टुकड़े तुझे चुभेंगे. द फैक्ट इज कि तुझे रियलिटी को फेस करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा. और ये रियलिटी ही है कि मैं रॉनी से वैसा प्यार नहीं करती. अगर मैं उसको हाँ बोल भी दूँ ना तो वो झूठ होगा. तू चाहती है मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलूं? समझने की कोशिश करो प्लीज. यू नो व्हाट, तू पहले अपनी बात समझ. कॉम्प्लिकेटेड कब हो गई, क्यों हो गई? त्रिशा, रॉनी को देखा है? वो मानव सर के साथ है. सर एक कल और आज की पीसीआर की रिपोर्ट्स हैं, प्लीज साइन कर दीजिए. श्योर श्योर रॉनी, प्लीज सिट. आई एम फाइन थैंक यू. ऑलराइट, से अनन्या कैसी? क्यों, आई मीन ठीक है सर. नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम उसके दोस्त हो ना, और क्या है ना दरअसल मैं आजकल उसके बारे में चिंतित रहता हूँ. कोई खास वजह सर? देखो रॉनी ऐसा है, कबीर जिस तरह उसे सबके सामने सुनाता रहता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बुरा तो लगेगा ना, किसी को भी लगेगा बुरा. आई एम सॉरी सर, लेकिन ये उन दोनों का आपस का मामला है और आई एम श्योर वो लोग हैंडल कर लेंगे. क्या मामला है आपस का मतलब? सर, मेरे कहने का मतलब है कि उनके इस बिहेवियर की कोई वजह होगी. आई एम श्योर वजह मैं जानता हूं. क्या वजह है सर? देखो रॉनी सिंपल है,
मैं बोलना नहीं चाहता बट इट्स द फैक्ट, अनन्या कबीर को एडमायर करती है। कबीर उसके लिए एक हीरो है, लेकिन कबीर इस बात का फायदा उठाता। कबीर जैसा बंदा अपनी भोली भाली जूनियर्स का इस्तेमाल करता, उसके लिए एक नशा है, और उन्हें जज्बाती बना के छोड़ देता। तुम्हें तारीनी याद होगी, उसके साथ भी तो उसने वही किया ना। बट टोनी, मैं नहीं चाहता कि यही चीज अनन्या के साथ हो। मुझे ताज्जुब नहीं होगा किसी दिन उसने अनन्या का इस्तेमाल करके उसे रोता हुआ छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम समझ रहे हो ना रोनी? सर, अगर आपका साइन हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। या श्योर। एक यही बंदा है पूरे ऑफिस में जिसे अपनी तरफ करना पड़ेगा। कबीर को भी पिछली बार इसी ने बचाया था ना, तो साला पीकर आया था। बस ये मेरी तरफ आ जाए एक बार, इसके बाद मालवी का भी पिघल जाएगी और खालिद भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। क्या कहेगी, क्या पूछेगी? सेम फीलिंग मुझ में आ रही है। दो दिन हो गए बोर हो गया हूं। अरे यार क्या चल रहा है, क्या करूं? मुझे नहीं पता किस बात की खुन्नस निकाल रही है मालविका, सुबह से बिठा रखा है ऑफिस में। कुछ नहीं यार, खुद तो खुश रह नहीं पाती है और तुझे खुश देख नहीं सकती, जलन है। जलन जब होती है ना तो चिंगारी कहीं निकलती है, धुआं कहीं उठता है, लेकिन आग कहीं और ही लगती है। भाई सीधे सीधे बता दो ना, पहले टेंशन पड़ी हुई है। इस ऑफिस में ऐसे दो लोग हैं जो जले जले घूम रहे, एक मानव भाई जो कबीर शर्मा को ऑफिस से आउट चाहते हैं, और एक मालविका जो कबीर शर्मा को घर के इन चाहती है। तो इससे मेरा क्या कनेक्शन? कबीर शर्मा के साथ तो है ना, तुम उनके करीब जो। ऐसा लगता है ऑफिस को? हाँ, इसलिए तो मालविका तुमसे जलती है, अपनी भड़ास तुम पे निकाल रही है। आई सी, तो ऐसा है तो मैं जाके मालविका से खुद ही बात कर लेती हूँ, इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो छोड़ देती हूँ। केकेएन, ओए रानी लक्ष्मी बाई, धीरे से हैं, तलवार मत चला देना जाते ही। भाई ये मालविका और मानव को ना आप वो चक्कर फिर से चलवा दो यार, ऐसे लड़ते रहेंगे। नहीं तो ऐसा करो योग की सीढ़ी ला दो, थोड़ा शांत हो जाएंगे ना, समय रहे ना आप। थैंक्स डैड, थैंक्स फॉर द ग्रेट न्यूज, आई एम सो हैप्पी कबीर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं बस वही सोच रही थी कहीं वो ठीक होने के बाद भी चलने में तकलीफ ना हो। ओके डैड, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऑलराइट, बाय। तो अब तुम नॉक करना भी भूल गई? फॉर्मेलिटीज को साइड में रखते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मैं देख रही हूँ आप दो दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, क्या बात है? अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अभी बात करते हैं और खत्म कर देते हैं। Really? जी, सबके सामने बदतमीजी करने की तो जरूरत नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज अनन्या, ध्यान रहे तुम किससे बात कर रही हो। और अगर तुम्हें यहाँ इतनी प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो, कोई बॉन्ड नहीं साइन किया है हमने तुम्हारे साथ। और मैं देख रही हूँ जब से तुम
वो बागी सिचुएशन से लौट आई हो, तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया। तुमने 3 दिन क्या कबीर के साथ गुजार लिए, तुम तो उसे अपना दोस्त ही मान ली, उसे अपना यार बना लिया। तुम्हें क्या लगता है कबीर बच्चा है, बेवकूफ है? तुम्हारे जैसे कई रिपोर्टर्स के साथ उसके यही संबंध रहे हैं, जिनका वो इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है, समझी? पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मालविका। ओ, तो तुम्हें सच सुन के बुरा लगा? या फिर ये सच है ही नहीं? तो तुम मुझे बता दो कि सच क्या है। कबीर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है ये बताने के पैसे नहीं मिलते मुझे यहाँ। मैं इस चैनल की रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है स्टोरीज आना, वो मैं करती हूँ। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, जिससे चैनल की रेटिंग्स पर भी फर्क पड़ता है। तो आप प्लीज मेरी पर्सनल स्टोरी में इंटरफेयर मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंट हो रही हो ना अनन्या? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हारे आंखों के सामने मैं कबीर को अपने बस में कर लूंगी। हाय, रिशा ने कहा तू मुझे ढूंढ रही थी, कल रात की बात का जवाब देना है। रॉनी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को ऐसे ही रहने देना चाहिए। वजह जान सकता हूँ रिजेक्शन की? रिजेक्शन नहीं है, तू प्लीज ऐसा मत बोल। देख, तूने अपने दिल की बात बताई ना मुझे, तो मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुझे बिल्कुल नहीं खोना चाहती, लेकिन तू मुझसे प्यार नहीं करती करती हूँ, बट ये झूठ नहीं बोल सकती कि उस तरह करती हूँ जिस तरह तू मुझसे करता है। ठीक, झूठ नहीं बोल सकती तो सच बोल दे। जो मैंने तुझसे पूछा था उस रात, कबीर शर्मा को प्यार करती है ना, इसलिए मुझे मना कर रही है, राइट? थैंक्स, जवाब मिल गया मुझे। बस एक बात कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड हूं ना तेरा, इसलिए यहां सब जानते हैं कबीर शर्मा को। मैं तेरा दिल टूटते हुए नहीं देख सकता, बहुत तकलीफ होती है जब दिल टूटता है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.